रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरने लगा है। दरअसल सड़क किनारे नाला ना होने की वजह से रहवासियों को दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि यह सड़क जनपद रुद्रप्रयाग और चमोली जिले का सबसे पुराना मार्ग है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग की घोर लापरवाही के कारण सड़क का सारा पानी घरों में घुस रहा है, जिससे हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों को कई बार मौखिक और लिखित में शिकायत दी गई है, मगर अभी भी उचित समाधान नहीं हो पाया है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। तल्ला नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत हमारे जनपद रुद्रप्रयाग से पोखरी के लिए रूट आ रहा है और दुर्गाधार में किसी के मकानों में और दुकानों में पानी जा रहा है। मैं लोक निर्माण विभाग और PWD से निवेदन करूंगा कि इसका जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान किया जाए। PWD विभाग से आग्रह हमारा कि हमारे क्षेत्र दुर्गाधार में दो बार रोड का काम हो रखा है, जिसमें डामरीकरण हुआ है, मगर पानी का ठहराव बहुत ज़्यादा है और ये सब पानी दुकानों के अंदर घुसता है। ये एक पर्यटन गांव है जिसमें 4 करोड़ रुपए तो मंदिर में पर्यटन विभाग ने खर्च कर रखा है और बहुत दूर दूर से लोग पर्यटन लोग यहाँ आते हैं, मगर यहाँ पानी का जब पानी यहाँ जमा होता है तो पैदल चलने के लिए यहाँ बिल्कुल भी नहीं।